हेलो क्लास फोर, आज जीके वर्ल्ड बुक में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15 वाटरी फैक्ट्स। वाटरी फैक्ट्स मतलब वाटर से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जानकारी हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्या जानकारी है? पहला देखिए, द हाइएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड इज़ एंजल फॉल्स, इट इज़ इन वेनेजुएला। कह रहा है जो हाईएस्ट वाटरफॉल है, हाईएस्ट वाटरफॉल मतलब काफ़ी ऊंचाई से गिरने वाला, ठीक है, काफ़ी ऊंचाई से, हाईएस्ट वाटरफॉल, काफ़ी ऊंचाई से जो पानी गिरता है वाटरफॉल है, तो वो कौन सा वाटरफॉल है, हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है दुनिया का? तो वो है एंजल फॉल्स। हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है? एंजल फॉल्स है। और ये कहाँ पर है? तो ये है वेनेजुएला में। कहाँ पर है ये? ये है वेनेजुएला में। ठीक है, क्लियर हुआ। हाईएस्ट वाटरफॉल क्या है दुनिया का? वो है एंजल फॉल, और कहाँ पे है? वेनेजुएला में। सेकंड देखिए, नियर अबाउट 70% ऑफ द वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर इज स्टोर्ड इन एंटार्क्टिका। कह रहा है नियर अबाउट 70% ऑफ द वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर मतलब ये जो पूरा का पूरा पानी है, जो फ्रेश वाटर मतलब जो हम लोग पीते हैं ताज़ा पानी जिसको बोलते हैं, उसका 70% हिस्सा जो है वो कहाँ पे है? एंटार्क्टिका में स्टोर है, एंटार्क्टिका में जमा है। 70% समझ रहे हो, 70% तो जमा हुआ है एंटार्क्टिका में, और बाकी 30% तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि 70% फ्रेश वाटर, वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर जो है वो स्टोर्ड है कहाँ पे? एंटार्क्टिका में। थर्ड नंबर देखो, वाटर गेट्स एवेपोरेटेड एट द टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। ये तो पता ही है, सिंपल है। आपको पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर पहुंच जाता है तो वाटर जो है वो क्या होता है? एवेपोरेट हो जाता है, मतलब भाप बन के उड़ने लगता है। देखे होगे, देखोगे पानी गर्म करते हैं तो गर्म होते हो देखोगे उसमें से भाप निकलने लगता है, या चाय वगैरह भी बनता है तो देखोगे भाप जो है निकलता है। तो क्यों? तो वही बता रहे कि जब वो 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जाएगा तो जो पानी है, जो भाप देखो ना, वो पानी ही किसमें? गैस के फॉर्म में बदल जाता है। ठीक है, और वो एवेपोरेट यानी फिर ऊपर की तरफ उड़ जाता है। फोर्थ नंबर देखो, नाइल इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे लंबी नदी पूछे कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो बताएंगे नाइल। ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है दुनिया की? वो है नाइल, NILE, नाइल। फिफ्थ नंबर देखिए, अप टू 60% ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज नथिंग बट वाटर। 60% कह रहा है, 60% क्या है ह्यूमन बॉडी का? 60% क्या है? वो वाटर है। ह्यूमन का 60% क्या है? वाटर है, मतलब पूरा जो भी है, पूरा ए टू जेड पूरा मिला के बॉडी का, तो 60% क्या है? सिर्फ पानी है, और बाकी तो है ही, समझ लो सब कुछ उसी में मिला हुआ है। सिक्स नंबर देखिए, द ह्यूमन ब्रेन इज अबाउट 73% वाटर। ह्यूमन ब्रेन, अच्छा ब्रेन की बात कर रहा है, तो ब्रेन में कितना है? 73% वाटर ब्रेन स्टोर करके रखता है। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन इंसानी दिमाग जो है उसमें कितना है? 73% वाटर है, मतलब पानी है, सोचो 73% वाटर। सेवन नंबर देखिए, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया इज द गंगा। इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर क्या है? इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है गंगा, और वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर वो है नाइल। ठीक है, वर्ल्ड की पूछेगा तो नाइल, और अगर इंडिया की बात करें तो वो है गंगा रिवर। एट नंबर देखिए, वाटर गेट्स फ्रोजन एट द टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है कि वाटर जो है वो क्या बन जाता है? बर्फ में बन जाता है। कितने डिग्री सेल्सियस पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब 0 डिग्री या 0 से कम हो जाए तो इस टेम्परेचर पे क्या है, वाटर जो है वो आइस यानी बर्फ में बदल जाता है। अच्छा, 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या बताया था कि 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा? वाटर यानी पानी जो है वो एवेपोरेट हो जाएगा यानी भाप बन जाएगा। ठीक, और 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? 0 डिग्री या उससे कम पे पानी जो है वो बर्फ में बदल जाता है यानी कि जम जाता है। नाइन नंबर देखिए, मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन अर्थ इज स्टोर्ड इन ओशन। मोस्ट ऑफ द वाटर
यानी अधिकतर जो पानी है पृथ्वी पे, जो पानी है अर्थ पे, जो पानी है वो कहाँ स्टोर्ड है? तो वो ओशियंस में यानी समुद्र में स्टोर है, ठीक है? क्योंकि हम जानते हैं सभी नदियों का पानी भी कहाँ चला जाता है? समुद्र में चला जाता है। और पृथ्वी का पूरा 70% हिस्सा लगभग क्या है? वाटर ही है। और वो कहाँ है? तो ओशियंस में ही है। तो इसीलिए बता रहा है कि मोस्ट ऑफ वाटर ऑन अर्थ, ठीक है, जितना भी पानी जो है अर्थ पे है वो कहाँ स्टोर्ड है? किसमें? ओशियंस यानी समुद्र में स्टोर है। 10th नंबर देखिए, द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज़ पैसिफिक ओशन। लार्जेस्ट ओशन की बात करें तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो वो है पैसिफिक ओशन, ठीक है। लार्जेस्ट ओशन की बात करें, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओशन, तो वो है पैसिफिक ओशन। अब आगे आइए 11th नंबर, वी कैन यूज़ ओनली 1% ऑफ द वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। ड्रिंकिंग पर्पस यानी कि जितना भी पानी अर्थ पे है, पृथ्वी पे है, जितना भी पानी है उसका बता रहा है कि 1%, क्या बता रहा है? 1% पानी जो है वो हम यूज़ करते हैं किसके लिए? फॉर ड्रिंकिंग पर्पस यानी पीने के लिए। पीने के लिए पानी जो यूज़ करते हैं तो वो कितना परसेंट है? सिर्फ 1% है। उसी में मतलब वही पानी पीते हैं, उसी से खाना बनाना, उसी से मतलब सब कुछ, जो घरों में पानी आता है साफ पानी नल का, उसी से ही सब कुछ होता है हमारे यहाँ। तो वो कितना है? सिर्फ 1% है, 1%। 12th नंबर देखिए क्या है, सी बर्ड्स कैन इवन ड्रिंक द सॉल्टी वाटर ऑफ द ओशन। सी बर्ड्स, सी बर्ड्स मतलब जो समुद्री पक्षी होते हैं, समुद्री बर्ड्स मतलब समुद्री पक्षी की बात कर रहा है, बर्ड्स की बात कर रहा है, सी बर्ड्स की बात कर रहा है। तो ये क्या है? ये पी सकते हैं क्या? ओशन वाटर या सी वाटर, यानी जो खारा पानी होता है, जानते ही वो नमक बहुत ज़्यादा होता है उसमें, ठीक है, तो हम लोग तो पी नहीं सकते, लेकिन जो सी बर्ड्स हैं वो ओशन वाटर को क्या कर सकती हैं? पी सकती हैं, ठीक है। तो ये रहा कुछ वाटर से रिलेटेड फैक्ट आपके लिए। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे कुछ चीज़ें अंडरलाइन की गई हैं, तो आप भी अपने बुक में उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे हम देंगे, फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे ये आएगा, और जो अंडरलाइन है वही क्या हो जाएगा? आपको फिलअप करना होगा, ठीक है। जिसके नीचे अंडरलाइन है वो आपको क्या करना होगा? फिलअप करना होगा। क्लियर है? बात समझ में आ गया? तो इसको अच्छे से बुक में अंडरलाइन कर लीजिएगा और अच्छे से समझ के एक बार लर्न भी कर लीजिएगा, ओके। अब देखिए इन्फोजोन में क्या बता रहा है, तो इन्फोजन में कह रहा है, अ न्यू बॉर्न बेबी हैज़ अबाउट 1 कप ऑफ ब्लड। जो न्यू बॉर्न बेबी हैं उनके बॉडी में सिर्फ 1 कप खून होता है, 1 कप ब्लड होता है, ठीक है। और एक और चीज़ बता रहा है कि अबाउट 1 in 7 पीपल एंटरिंग अ हॉस्पिटल नीड ब्लड। कह रहा है कि 7 में से 1 व्यक्ति को ब्लड की ज़रूरत होती है, यानी कि अगर 7 लोग हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो उसमें से एक जो व्यक्ति है उसको ब्लड की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो भाई ये रहा कुछ फैक्ट वाटर से रिलेटेड, आपने बहुत अच्छे से समझा है, तो इसको लर्न करिएगा अच्छे से। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।